अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू फोटोशॉप वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके जो ओवरऑल कलर्स हैं उसको किस तरह लाइट अप करेंगे, स्पेशली जो हेयर्स के कलर हेयर आ रहे हैं ना, उसे कलर किस तरीके से हम लाइट अप करेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कलर लेना पड़ेगा। सो लेट्स पिक अ कलर। कलर वो लेंगे जो कि इसके साथ टून अप करे। सो मेरे ख्याल से अगर इनके फेस को देखा जाए तो मे बी शायद डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी देखें, ब्राउनिश आ गया, इस ब्राउनिश की थोड़ी डार्क टोन। लेट्स से मे बी या दिस टोन या लाइक दिस डार्क टोन मे बी कैन अफेक्ट मोर। सो मैंने ये ले लिया और लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले ली। अच्छा, ये हर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी तस्वीर पे कि आप कौन सी तस्वीर वो कर पिक कर रहे हैं। तो आपने ये लेने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सिंपली कलर का ब्रश ले लिया आपने, ब्रश लेने पर कलर करना शुरू करेंगे इसको लाइक दिस। देखिए मैं कलर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से कलर करेंगे इसको, सॉरी लाइक दिस। मेरा माउस थोड़ा सही नहीं हो रहा, बट यू कैन गेट द आइडिया, लाइक दिस। या देखिए इस तरह आएगा, और यहाँ पे थोड़े से हेयर्स नज़र आ रहे हैं, इन हेयर्स को मैं कलर कर रहा हूँ। अच्छा, माउस को भी कुछ छोटा रखा, ज़्यादा ना हो जाए, जो जैसे ख़राब हो आप अंडू करें कंट्रोल जेड। और ये देखें यहाँ से इस तरह ये लेट होता है जा रहा है, और इसको छोटा करके मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये आ गया इस लुकिंग बिल्कुल ऐसा ही है। एडिटिंग के दौरान आपको पता है कि हम लोग जब एडिटिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट पिक्चर आती है। सो ये हमारे पास ओवरऑल कलर आ गए हैं। इसके बाद कलर लेने के बाद आप जैसे ही कि यहाँ क्लिक, अच्छा ब्लेंडिंग मोड्स आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इमेज, हर ब्लेंडिंग मोड का एक अलग लुक है। सो मैं यहाँ पर कलर अप्लाई करने जा रहा हूँ, कलर ब्लेंडिंग मोड में आके कलर पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये ब्लेंडिंग मोड पर कलर पे क्लिक करके, अच्छा आप देखेंगे कि कलर थोड़ा ब्राउनिश आ गया। ऑफ करता हूँ और ये ऑन करता हूँ, ऑन ऑफ। अच्छा, इसमें ऐसा आ रहा है कि जो जो स्किन के एरियाज हैं वो वाइट हो रहे हैं, बाकी वो ब्राउन हो रहे हैं। तो मैं डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। लेट्स से मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट कुछ बेहतर आया है, लेकिन इसमें ही आ रहा है। अच्छा, इसी सॉफ्ट लाइट को रख के मैं ब्लेंडिंग मोड को 20 कर देता हूँ, सॉरी 20 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, डबल क्लिक 20। तो ये देखिए इस तरह आ गया। मैं ऑफ करके देखता हूँ इसको, स्किन ऑफ, और ऑन कर देता हूँ। सो इट्स लुकिंग अ गुड नाउ, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड इज लुकिंग अ बिट गुड, ओके। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, लेट्स मेक इट मे बी मेक इट 30। या अब ऑफ कर दो इसको, दोबारा ऑन करो। सो ये बेसिकली इफेक्ट हम जनरेट करना चाहते थे। आपके अगर पास कोई तस्वीर है जिसको आप एडिट कर रहे हैं, उसके लंबे बाल हैं और डेप्थ है बालों में, डेफिनेटली आप जिस तरह प्रोफेशनल करियर डेवलप करेंगे अपने फोटोशॉप में, सो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी रिलेटिंग टू फोटो एडिटिंग और कलर कास्टिंग की, कंपोजिट करना है तस्वीरों को, आपस में कंपोज करनी है डिफरेंट पिक्चर्स को। सो आप कलर्स के ऊपर ये टेक्निक लगा सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी कॉमेंट, इफ यू हैव एनी सजेशंस, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो डू लेट मी नो एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैं हमेशा आपके पास यहाँ मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।